नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आपने अक्सर टीवी डिबेटों में देखा होगा कि कभी कभी एंकर या प्रवक्ता अति उत्तेजित हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी प्रवक्ता अति उत्तेजना में, एग्रेशन में दूसरे प्रवक्ता को अपशब्द कह जाते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर जाते हैं, असंसदीय भाषा कह जाते हैं, जो कि उन्हें टीवी डिबेटों पर नहीं करना चाहिए। यहां तक ठीक था और यह चलता भी है कि कई बार इंसान एग्रेशन में बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन जब आप टीवी के प्राइम टाइम शो में अपशब्द का प्रयोग करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, तो वास्तव में भारतीय मीडिया को, भारतीय जर्नलिज्म को एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है। और यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे मीडिया में भाषा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि अब हम खुलेआम प्राइम टाइम शो में अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, असंसदीय भाषा बोल रहे हैं, हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम अपने परिवार के सामने, अपने छोटे भाई बहन या माता पिता या बुजुर्गों के सामने प्रयोग नहीं कर सकते, फिर किस अधिकार से उस भाषा का प्रयोग हम पूरे देश के सामने कर रहे हैं। मामला प्रदीप भंडारी से जुड़ा हुआ है। प्रदीप भंडारी को आप जानते ही होंगे कि पहले रिपब्लिक भारत में थे और वर्तमान में ये इंडिया न्यूज में प्राइम टाइम शो के एंकर हैं। 8 बजे का प्राइम टाइम शो था और उसमें मुद्दा चल रहा था कि जो अभी एक हत्या हुई है लखवीर सिंह की, किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर को लेकर, उसको लेकर वो प्रोग्राम कर रहे थे और इस दौरान वो चीख चिल्ला रहे थे जिन्होंने इसकी हत्या की है। ये ठीक था, आपका चीखना चिल्लाना तब उचित माना जाता है जब आप जनहित की आवाज उठाएं, लेकिन इस चीखने चिल्लाने में अगर आप देश को गालियां परोसें, अपशब्द का प्रयोग करें, तो ये भारतीय मीडिया के लिए शर्मनाक की विषय है। उन्होंने इस दौरान कहा कि एक शब्द का प्रयोग किया, वो बोल रहे थे कि ये असामाजिक तत्व देश के कानून को डैश भी नहीं समझते। बात दूर तक गई, कई पत्रकारों ने उन्हें ट्रोल किया, आम जनमानस ने उन्हें ट्रोलिंग की कि ये कैसी भाषा आप कर रहे हैं, तो उधर से सफाई भी आई। प्रदीप भंडारी और उनके समर्थक, यहाँ तक कि उनके इंडिया न्यूज चैनल, इंडिया टीवी चैनल के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी उनका सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि वो दरअसल वहाँ पे झाड़ शब्द का प्रयोग कर रहे थे। झाड़ क्या होता है आप जानते हैं कि गाँवों में जो झाड़ फूस होती है, जो लोगों को देखा जाता है कि जो कचरा होता है या यूं कहे चारा, उसे झाड़ कहा जाता है, जिसका उपयोग नहीं होता। तो प्रदीप भंडारी को यही शब्द सूट किया और उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने वहाँ पर झाड़ शब्द का प्रयोग किया था और ये कहा था कि ये अमर्यादित तत्व, असामाजिक तत्व देश के कानून को झाड़ के बराबर भी नहीं समझते। लेकिन बात दूर तक चली जा चुकी थी और उनकी ट्रोलिंग हो चुकी थी और होनी भी चाहिए। आप देश में मीडिया के स्तर को, मीडिया के भाषा को, स्तर को नहीं गिरा सकते। उनके इस बयान को, उनके इस भाषा के गिरते स्तर को आप क्या सोचते हैं, को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।